इसके साथ सरपा क्या होते हैं दिस इज ऑल्सो यू वॉन्टेड टू नो साथ में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अभी समिट में क्या इंपॉर्टेंट था ये डिस्कस करेंगे कि जी सेवन कंट्रीज क्या होती है ओई सी डी कंट्रीज क्या होती है और ये भी डिस्कस करेंगे कि इनके बीच में लिंक क्या है तो चलिए एक एक करके इन सबके बारे में पढ़ते हैं पल पर, पर पहले मुझे सवाल का जवाब दीजिए विच ऑफ आप इन ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बारे में देखिए और बताइए कि इंडिया इज मेंबर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन जी ट्वेंटी जी सेवन या ओ इसमें से किसका मेंबर है एक बार खुद सोचिए बाकी तो मैं बता ही दूंगी और इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए ना चलिए आगे बढ़ते हैं मैं आपको बताती हूँ इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में शुरुआत करते हैं जी से

सबसे पहला आपका हो जाता है एक एक करके लेट्स डिस्कस सबसे पहला यहां पे आप इस वाले ब्लॉक पे आइएगा ऑलवेज रिमेंबर यहां पे तीन कंट्री साथ में पाई जाती हैं यूएस कनाडा एंड मेक्सिको ये आपकी तीन हो गई इसके साथ यहां पे ब्राजील और अर्जेंटीना पहला ब्लॉक याद कर लो ब्लॉक वाइज याद हो जाएंगे ब्राजील एंड अर्जेंटीना पहला ब्लॉक दूसरा ब्लॉक इधर आके याद करना है यहां पर जापान और साउथ कोरिया अक्सर साथ में पाए जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड साथ में साथ में आपको यहां याद करना है सिर्फ इंडोनेशिया इज एक्सेप्शन तो ये आपका हो गया दूसरा ब्लॉक याद अब आना है तीसरा ब्लॉक तीसरे ब्लॉक में याद रखें ये ऐसे ही आते हैं आपकी पी फाइव की दो कंट्री एक आपका यूके दूसरा आपका हो गया फ्रांस इसके बाद इटली और जर्मनी या यूरोप की फाइव मेजर डेवलपिंग डेवलप दिव्लाप नेशंस है इनको याद रखना है ये चारों एक साथ फिर आपको याद रखना है चौथा ब्लॉक चौथा ब्लॉक में बिखरी हुई कंट्रीज है आपकी इंपॉर्टेंट तीन कंट्रीज इंडिया है तो चाइना याद कर लो चाइना है तो रशिया याद कर लो साथ में बस याद करना है साउथ कोरिया एंड टर्की बस दिस इज हाउ यू रिमेंबर जी ट्वेंटी कंट्री पर ध्यान रखिएगा ये जो ग्रुपिंग मैंने सिर्फ याद करने के लिए बताई है इज अनदर सेट ऑफ ग्रुपिंग जो कि में ऑफिशियली एग्जिस्ट करती है उसमें क्या है जी ट्वेंटी के पास अपना परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है ध्यान रखिएगा जी ट्वेंटी के पास परमानेंट सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर नहीं है जी ट्वेंटी को हेडक्वार्टर ओई सी डी प्रोवाइड करता है उसका सेक्रेटेरिएट वो प्रोवाइड करता है इनफैक्ट सॉरी हेडक्वार्टर मतलब जो नॉर्मल थोड़ा थोड़ा बाकी जो उसको पर्मानेंट टेम्प्रेरी सेक्रेटेरिएट की जो प्रॉब्लम वो होती हैं वो प्रोवाइड करता है हेड ऑफ द जी ट्वेंटी जो कि उस साल बनने वाला होता है उस साल जो भी जी ट्वेंटी को हेड करेगा वो उसको टेम्प्रेरी सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करेगा अब जी ट्वेंटी का जो हेड होता है वो ऑन रोटेशन बेसिस होता है रोटेशन इन पाँच ग्रुप्स में होता है इन पाँच ग्रुप्स में कैटेगरीज कंट्रीज को डाल रखा है जैसे ऑस्ट्रेलिया कैनेडा साउथ अफ्रीका यूएस वगैरह अब इन ग्रुप में से किसी जैसे इमेजिन इस ग्रुप की बारी है अभी तो जब हेड डिसाइड करना होगा तो ये इन चारों के ऊपर होगा ये चारों में आपस में निगोशिएट करके डिसाइड करेंगे कि कौन ग्रुप बनेगा एंड दिस इज हाउ जी ट्वेंटी और हेड के हिसाब से ही जी ट्वेंटी में कॉन्सेप्ट आता है आपका जी ट्वेंटी ट्रोयका ट्रोयका इज मेडअप ऑफ थ्री नेशंस एक जो जैसे इस साल अभी आपका दो हजार इक्कीस चल रहा है तो दो हजार इक्कीस में जो आपका हेड होगा जैसे अभी इटली है इस साल आपकी इटली में होने वाली है तो एक ये होगा

चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं ओवरऑल इसके फंक्शंस क्या हैं जी के जी के जो फंक्शंस होते हैं वो तीन है तीन एम पे काम करे इकोनॉमी इन्वायरमेंट एंड आपका ओवरऑल दो सबसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है और क्लाइमेट चेंज मतलब ओवरऑल आपकी फाइनेंशियल लिंक्ड होता है

साथ में ये ध्यान रखेगा अपने फंक्शंस को अवेल करने के लिए इसमें दो तरीके के ट्रैक होते हैं एक आपका होता है फाइनेंशियल ट्रैक और दूसरा होता है आपका सरपा ट्रैक फाइनेंशियल ट्रैक में ये फाइनेंस वाली बातें करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाली बातें शर्पा ट्रैक में ये पॉलिटिकल बातें करते हैं जहां पे पॉलिटिकल निगोशिएशन कॉपरेशन की जरूरत होती है वहां पे ये यहाँ पे आपका गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर साल में दो तीन बार मिलते रहते हैं अक्सर तब मिलते हैं जब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की मीटिंग होती है तो भी ये मिलते हैं सरपा आपके साल में एक आध बार मिलते हैं यहां पे पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है सरपा आर बेसिकली नो वन

चलिए बाकी ये जानते हैं कि जी ट्वेंटी का क्रिटिसिज्म है क्रिटिसिज्म ये है कि बोलते हैं जो जी ट्वेंटी है यहां पे ना बहुत ज़्यादा मतलब एक तो जो रूल्स बन रहे हैं बाइंडिंग नहीं है मतलब निगोशिएशन चल रही है कुछ इंप्लीमेंट करने के लिए मेकानिजम नहीं है बट ये सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है बिकॉज एटी परसेंट ऑफ़ ग्लोबल जी डी ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड सिक्सटी ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है और बहुत सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है इनफैक्ट जी ट्वेंटी का बहुत बड़ा रोल था पैरिस के सक्सेसफुल होने में अब आते हैं सरपास सरपास आर तिब्बतन एथनिक ग्रुप होते हैं जो कि आपकी चार कंट्रीज़ में पास जाते हैं नेपाल भूटान चाइना एंड इंडिया

कॉम्पोजिशन एंड सिग्निफिकेंस इन्हीं हिसाब से चलना है इसका ओरिजिन 1973 की ऑयल क्राइसिस के दौरान हुआ था 1975 में इसको फॉर्मली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया था इसकी भी खास बात यह है कि इसमें भी सेक्रेटेरिएट नहीं होता हेड क्वार्टर नहीं होता इस केस में इसमें भी बाय रोटेशन हेड आपकी प्रेसिडेंसी आती है जिसको कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर वगैरह नहीं है बट वही उसके लिए सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करता है

इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे काम करना और साथ में काम करना एनर्जी पॉलिसीज के लिए क्योंकि ये ऑयल क्राइसिस के बाद आई थी इसलिए ऑयल के जो सिग्निफिकेंस है उसको जानती है जी का देखा जाए तो नॉर्मली ये आपका जी था बीच में जी आ गया था रशिया के आने के बाद रशिया 1997 में आ जाता है पर 2014 में जब यूक्रेन का केस होता है तो रशिया को निकाल देते हैं बिकॉज रशिया हैज एनेक्स यूक्रेन एंड यूरोप कंसर इट वॉज अ रॉन्ग एक्ट साथ में इसमें देखा जाए तो जो फोर्टी सेवन की जो आ, मीटिंग हुई थी वो यूके में हुई थी जहां पे आपका कैरिस बेड डिक्लेरेशन साइन हुआ था कैरिस पे डिक्लेरेशन बोला गया था कि पैंडेमिक से डील करने के लिए बाकी कंट्रीज कैसे डील करेंगी तो कैरिस पे डिक्लेरेशन आता तो क्या बोलेंगे जी सेवन किसने था पैंडेमिक के लिए साथ में यहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को बुलाया गया था एज अ गेस्ट मेंबर तो ये आपका ओवरऑल इसकी हिस्ट्री हो जाती है चलिए अब बाकी इनके मेंबर्स को याद कैसे करने हैं जी सेवन को जो चार यूरोपियन कंट्रीज है ना उनको याद रखिए बस आपको और एड क्या करना है चार यूरोपियन यूरोपियन कंट्री कौन सी है यूके फ्रांस इटली जर्मनी वहीं पे चार थी वो चार यहाँ पे भी है साथ में आप याद रखोगे कैनेडा और आप एक याद रखोगे यहाँ पे ये यह आपका फ्रांस हो गया ये आपके हो गए चार पांच छह दो कंट्री और सातवीं कंट्रीज आप यहाँ पे जापान याद कर लोगे ठीक है कैनेडा यूएस एंड जापान कैनेडा यूएस एक साथ मिलते हैं और जापान हो गया ये आपकी जी सेवन कंट्री हो गई ओके okay? तो ये G7 सेवन कंट्रीज तो आपका G20 का हिस्सा है ही तो ये भी आप याद रखेंगे इससे हो गया ये राइट ये आपका कनेक्शन अब आते हैं OECD कंट्रीज अब ऑरिजिन पे आते हैं OECD कंट्रीज मार्शल प्लान के अंदर बनी थी राइट मार्शन प्लान के अंदर जब वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूरोप को उभारने की कोशिश की जा रही थी मार्शल प्लान के अंदर एक्चुअली तो देखा जाए तो उसका ओरिजिन नाइनटीन मानते हैं तो ये मत गलत समझिएगा में जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी उसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन इन यूरोपियन कंट्रीज तो ये आपका ओई बनती है इसको फ्रांस ने बनाया था पर जब इसका पर्पस सर्फ हो गया तो 1961 में इसको बना दिया गया ओईसीडी कंट्रीज में फ्रांस ने बनाया था इसलिए इसका हेडक्वार्टर पेरिस में तो अभी आप याद भूलेंगे नहीं कि इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है बिकॉज़ फ्रांस का इसमें बहुत बड़ा रोल था इसका फंक्शन क्या है इसका फंक्शन है इकोनॉमिक प्रोग्रेस वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करना ओवरऑल डेमोक्रेसी और मार्केट इकोनॉमी को प्रमोट करना है अच्छा देखिए जी सेवन में इंडिया नहीं थी जी सेवन कंट्रीज हमने देखा OECD में भी इंडिया नहीं होती और ध्यान रखिएगा कि हाईएस्ट इनकम कंट्रीज मतलब वो कंट्री है जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है और एच में रैंकिंग बहुत ज्यादा है जी ट्वेंटी फास्टेस्ट ग्रोइंग जी सेवन कंट्री OECD हाई इनकम कंट्रीज विद हाई एच और ओवरऑल देखा जाए तो सिक्सटी ऑफ जो नॉमिनल जी होता है उसमें इनका इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है अब इनको याद करने का तरीका क्या है मैं आपको बता देती हूं इनको याद करने का तरीका यह है कि यूरोपियन कंट्रीज का तो बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन है कंट्रीज आप नहीं याद करने वाले ना वो याद करो जो यूरोप से बाहर है तो बस उन्हीं कंट्री पे ध्यान देना तो इनमें किस पे ध्यान देना है ये तीन तो साथ रहेंगी इंडिया यूएस सॉरी यूएस आपका कैनेडा एंड मैक्सिको ये तो साथ रहते हैं यहां से दो याद कर लो एक आपका हो गया चिले एंड कोलंबिया नीचे चिले एंड इन कोलंबिया इनको याद रखना और कोस्टारिका ट्रिपल सी सी क्यूब कंट्री चिले कोलंबिया कोस्टारिका यहां से हैं साथ में आप यहां देखोगे आपका न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया एक साथ होते हैं तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी है फिर आप याद रखो कि जो आपका जो साउथ कोरिया जापान है वो एक साथ आते हैं हमने याद किया था ना वहां पे साउथ कोरिया जापान एक साथ है न्यूजीलैंड एक साथ है ओवरऑल मतलब जो बाहर वाली कंट्रीज हैं सिर्फ उनको याद करने की कोशिश कीजिए तो आप अगर आप उन्हें फिगर आउट कर लेंगे बाहर यहाँ से निकाल के तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है बाकी अपना यहाँ पे टर्की देख लीजिए दिस इज एन आउटसाइडर एक आपकी कंट्री हो जाती है बाकी सब आपकी वही कंट्री है जो आपके अंदर है ठीक है तो अगर ये आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा जी कंट्रीज को याद ओ सी कंट्री बाकी इंडेक्स निकालते हैं जैसे आपका ग्लोब द गवर्नमेंट एड्लांस ग्लांस 2017 रिपोर्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक एंड ओईसीडी बेटर लाइफ इंडेक्स ओईसीडी कंट्रीज की फंडिंग आप मेंबर ही आपस में करते हैं और फंडिंग जो मेंबर का इकोनॉमिक साइज है ना उस पर डिपेंड करते हैं जैसे यूएस का सबसे ज्यादा है तो वो सबसे ज्यादा करेगा ना दिस वॉज अंडरस्टैंडिंग ओ अब आपको समझ में आएगा तो मेरे सवाल का जवाब दे पाएंगे बेचो द फॉलोइंग ग्रुप इनमें से इंडिया मेंबर है अब आपने देखा इंडिया ओई का हिस्सा नहीं था जी का नहीं था तो ये आप क्या करेंगे काट देंगे तो टू गया टू गया और थ्री गया बचा आपका वन इज दी ओनली आंसर ओके आई होप यू आर डन विद दिस अगर आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें कनेक्ट करें बिकॉज वी आर हैव जस्ट टू हेल्प यू थैंक यू सो मच Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than hundred students crack IAS with our Current Affairs classes.